हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए ऐसी कोई भी एक माला ले लें जिसमें 108 मोती हों। माला को इस तरह से अपनी मिडिल फिंगर के ऊपर रखें। ध्यान रहे कि अपनी तर्जनी उंगली यानी कि अपनी इंडेक्स फिंगर को कभी भी माला से टच ना करें। इस चीज का खास ख्याल रखें। हरे कृष्ण मंत्र की कोई भी माला शुरू करने से पहले हम सबसे पहले पंच तत्व मंत्र का उच्चारण करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इस मंत्र को ऑडिबली चैंट कीजिए, क्योंकि कली काले कृष्ण नाम रूप अवतार, भगवान कृष्ण ने इस कलयुग में नाम के रूप में अवतार लिया है। तो भगवान और भगवान का यह नाम हरे कृष्ण मंत्र भगवान से अभिन्न है, इसलिए हरे कृष्ण मंत्र जप करते हुए यदि हमसे कोई अपराध हो जाए तो यह पंच तत्व मंत्र का जप करने से वह अपराध शमन हो जाते हैं, नलिफाई हो जाते हैं। इसलिए पंच तत्व मंत्र का जाप हर हरे कृष्ण मंत्र की माला के पहले एक बार जरूर करें। हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, यह साइलेंट मेडिटेशन नहीं है, यह साउंड मेडिटेशन है। इसलिए आपको जप ऑडिबली करना है, मन में नहीं करना है। तो ऑडिबली हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है और भगवान का यह जो नाम है दिव्य नाम, इसे ध्यान से सुनना है, यह सबसे जरूरी है। जब आप भगवान का नाम जप करते हुए ध्यान से अपने कानों से सुनेंगे तो वो नाम हमारे हृदय में उतर कर हमें शुद्ध कर देगा। तो हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए और अपनी खुद की आवाज को ध्यान से सुनिए। मोबाइल चलाते हुए, टीवी देखते हुए, कंप्यूटर चलाते हुए या और कोई भी एक्टिविटी करते हुए हरे कृष्ण मंत्र का जप साथ साथ ना करें। एक्सक्लूसिव टाइम निकालकर सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र का जप करें। एक माला पूरे होने में हार्डली 7 से 8 मिनट का समय लगेगा। तो अपनी मिडिल फिंगर और थंब से पहले मोती को पकड़ें और हरे कृष्ण मंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद अपने थंब से अगले मोती पर जाए, माला को अपनी तरफ ले और फिर से मंत्र बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगला मोती, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह हर मोती पर पूरे हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करें और आपकी माला इस तरह से अपनी तरफ आते हुए कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे एक माला पूरी हो जाए तो फिर से आप पंचतत्व मंत्र का जप करें और अपनी माला को शुरू करें। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। यह जरूरी नहीं है कि आपको बैठकर ही हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है। आप चलते हुए भी, वॉक करते हुए भी हरे कृष्ण मंत्र का जप कर सकते हैं। आप बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप बिस्तर पर बैठकर, जिस जगह पर आप सोते हैं वह तमोगुण में कहलाता है, तो उस जगह पर बैठकर हरे कृष्ण मंत्र का जप ना करें। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन है कि आपकी तबीयत बहुत खराब है और आप बेड रिडन हैं, आप बिस्तर पर ही हैं, तो आप बिस्तर पर बैठकर या फिर हालत बहुत खराब है तो आप बिस्तर पर लेट कर भी हरे कृष्ण मंत्र का जप कर सकते हैं। यह बेस्ट रहेगा कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में नहा कर हरे कृष्ण मंत्र का जप करें। लेकिन अगर आपके लिए किन्हीं कारणों की वजह से यह पॉसिबल नहीं है तो आप किसी भी समय बिना नहाए हुए भी हरे कृष्ण मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। और आपके लिए पॉसिबल है तो तुलसी महारानी के सानिध्य में किसी तुलसी के पौधे के पास बैठकर भगवान का नाम का जप करें, या अपने घर पर आपका कोई छोटा मंदिर है, भगवान की कोई फ्रेम है, कोई मूर्ति है, वो भगवान के सामने बैठकर जप करें, तो इससे आपका और भी ज्यादा हरे कृष्ण मंत्र में ध्यान लगेगा। यह भी ध्यान रखें कि यह पवित्र माला जमीन पे टच ना हो, इसलिए आप इसे साथ में लेफ्ट हैंड से पकड़ सकते हैं, थोड़ा ऊपर करके पकड़ सकते हैं, या फिर इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट रहेगा आप इस तरह से एक चैंटिंग बैग का यूज करें ताकि यह माला इसके अंदर पवित्र सुरक्षित रहेगी। इस तरह से आप माला लेकर, और चैंटिंग बैग में यह भी फैसिलिटी होती है कि आप अपनी तर्जनी उंगली जो आप माला पर टच नहीं करना चाहते हैं वो अलग से बाहर निकल जाएगी।
चैंटिंग बैग के साथ साथ साक्षी माला भी उपलब्ध होती है। साक्षी माला यानी कि आपकी एक हरे कृष्ण मंत्र की माला पूरी हो जाए तो इस तरह से आप ऊपर करके काउंट कर सकते हैं, यानी कि आपकी एक माला हो गई, उसके बाद दूसरी माला हो जाए, फिर ऊपर काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से साक्षी माला इस चीज की साक्षी है कि आपके कितनी हरे कृष्ण मंत्र की माला हो चुकी है। यह चैंटिंग की माला या फिर यह चैंटिंग बैग या साक्षी माला किसी भी हरे कृष्ण मंदिर में आसानी से उपलब्ध है, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अगर माला करते हुए आपका ध्यान भटकता है तो आप जोर जोर से भी जप कर सकते हैं, स्पीड में भी जप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हरे कृष्ण मंत्र में कोई भी वर्ड स्किप ना हो। इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बारे में आपका और भी कोई डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो आइए मेरे साथ जप कीजिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।